ले भैया आ गया इंस्टाग्राम में भी टिकटॉक वाला मज़ा। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं इंडाटेल। तो आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम में ऐसा कौन सा फीचर्स आया है जो कि टिकटॉक से मिलता जुलता है। तो चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे लेके आया हूँ आपको। तो यहाँ देखता हूँ, सबसे पहले हमें जाना है कैमरा वाले सेक्शन में, और कैमरा वाले सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर आपको तीन ऐसे ऑप्शंस मिलते थे, और पहले भी मिलते थे, अभी नया नहीं है, लाइव स्ट्रीम और स्टोरी, और ये रील्स का ऑप्शन नया है। तो रील्स का ऑप्शन ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यह म्यूज़िक का ऑप्शन है, ऑडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ ऑडियो पे आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, आई डोंट केयर, तो ये मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसमें से आप ऊपर नीचे करके सॉन्ग को जहाँ से भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, ये जो ऑप्शन है नीचे सेकंड वाला, वो है स्पीड का। तो यहाँ से आप स्लो मो कर सकते हो या फास्ट कर सकते हो, जैसा वो टिकटॉकर नहीं करते थे, हाँ वही वाला बिल्कुल। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में आपको इफ़ेक्ट्स मिल रहा है, इफ़ेक्ट्स तो टिकटॉक वाला नहीं मिलेगा आपको। इफ़ेक्ट्स यहाँ पे इंस्टाग्राम का खुद का इफ़ेक्ट्स आपको मिलेगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हो या तो नहीं भी कर सकते हो, अलग से भी आप वीडियो बना के इस पर अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है आपका टाइमर। तो ये टाइमर ये मत समझना कि मुझे टाइम लगा रहा है, ये टाइमर इसलिए दिया गया है कि आप एक वीडियो को अब शॉर्ट टर्म शूट करो, मतलब कि 15 सेकंड से पहले, और मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 10 सेकंड का वीडियो आप शूट करो। उसके बाद वहाँ पे एक अलाइन का ऑप्शन मिल रहा है आपको, वहाँ से अलाइन पे क्लिक करने के बाद फिर से शूट करो। तो ये आपका जो दो वीडियो आप जैसे एक साइड यहाँ पे आज अभी यहाँ शूट किया, फिर कुछ देर के बाद दूसरी जगह शूट किया, तो वो करके आप दो वीडियो को एक साथ अरेंज कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, अपलोड पे देखते हैं क्या देता है ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये अपलोड पे आ गया मैं, और यहाँ पे दे रहा है रील्स स्टोरी, ये कुछ नया लग रहा है देखो। तो शेयर टू रील्स द एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, जो भी आप लिखना चाहते हो अपने वीडियो पे लिख सकते हो, जैसे कि टिकटॉक हैशटैग, ये वो, जो भी, समझ रहे हो ना, समझ ही रहे होगे आप। हाँ, तो यहाँ पे आप अपने स्टोरी पे भी शेयर कर सकते हो, क्लोज फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो, और किसी और को भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको ये ऑप्शन मिलता है अल्सो शेयर फीड, अगर आप चाहते हो फीड पे भी शेयर करना तो फीड पे भी कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत करो, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फीड पर शेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और एक्सप्लोरर पे मैंने रील्स एक्सप्लोरर पे मैंने शेयर कर दिया। तो यहाँ पे आपका रील्स एक्सप्लोरर पे शेयर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ही ऑप्शन थे मेरे पास, आईजीटीवी वीडियो के सामने एक और ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे मिल गया। ये आप देख सकते हो कि चौथा ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन है, ये मुझे अभी अभी मिला है, जो कि रील्स एक्सप्लोरर है। तो ये नया है, अभी आप अगर करते हो तो इससे आपको बेनिफिट हो भी सकता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इंस्टाग्राम को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो तो अच्छा नहीं लगा होगा मेरे को बताया, फिर भी यार लाइक ठोक दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कम से कम। चलो तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ऐसा ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, नए नए फीचर्स आपको बताऊँगा और भी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।